दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल रेटूरी अपडेट में। इस वीडियो में भी बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। ये जो वीडियो है शुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया है, किशनगंज जिला के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। किशनगंज जिला के अबंधिक मेधा सूची के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर नजर आएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मेट अच्छे से तैयार करके अपलोड किया गया है। इंटरेस्टिंग बातें भी है यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक भी सीटें नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे आवेदन किए हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन किस हद तक यहाँ पे गलती लोग किए हैं इसमें आपकी गलतियों को भी दिखाया गया है। और ये सब ऐसा गलती है कि आप रो नहीं सकते, तो आप किसी दूसरे पर हंस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा गलती अपने नियोजन इकाइयों में कर चुके हैं जहाँ पे आपने आवेदन किया है। तो आने वाले समय में बारी बारी से आपका भी गलती यहाँ पे सामने आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी यहाँ पे बिना रोस्टर को एनालाइज किए हैं आवेदन किए हैं, कि आपने बिना सीट को देखे हुए आवेदन किया है। देखिए, यह है किशनगंज जिला का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। किशनगंज जिला का ये देख सकते हैं 16 दिसंबर का ही ये अपडेट आया है, मतलब आज ही के डेट का अपडेट है। और यहाँ पे बताया गया है नगर परिषद किशनगंज बेसिक ग्रेड एंड ग्रेजुएट ग्रेड फॉर्मर मेरिट लिस्ट 2019-20। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको भी डाउनलोड करने का लिंक इसी पेज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली इसमें से किसी एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पे आवेदन किए हैं तो जरूर से देख कर यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा अपना नाम। नहीं आवेदन किए हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जो मैं यहाँ पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसे आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे कैंडिडेट जो है गलती किए हैं। देखिए, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। औपबंधिक मेधा सूची का बिल्कुल साफ सुथरा है, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था पूर्णिया और गोपालगंज का, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको विजिबल नहीं था, लेकिन आप इसमें अच्छे से सभी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, सबसे बात करें शुरू में तो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पे नगर परिषद किशनगंज में 5 सीटें अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए, हिंदी सब्जेक्ट की बात करें 6 से 8 तक की, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पे 48 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, ठीक है। और 48 कैंडिडेट में जो सबसे ऊपर में है सौरभ सागर, इनका हायर मेरिट गया है 72.75, ओके, हायर मेरिट इन्हीं का है। लेकिन यहाँ पे अभियुक्ति वाले सेक्शन में भी इनका कुछ मेंशन है, तो अब देख लीजिएगा, अगर उनके खिलाफ में कुछ यहाँ पे मेंशन है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन फाइल करने का डेट जो है अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही नोटिस आएगा, मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का जो लोअर मेरिट है वो भी देख लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट का देखिए 42.66 यहाँ पे लोअर मेरिट है, तो ऐसे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट भी होंगे, अगर उनको रिजेक्ट होने का रीज़न के विरुद्ध में कुछ उनको जो है आपत्ति दर्ज कराना है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और रिमार्क्स वाला सेक्शन जरूर से आप देख लीजिएगा, कुछ मेंशन होता है तो आप हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में उस चीज़ मेंशन यहाँ पे किया गया हो, तो आप जरूर से रिमार्क्स वाला यानी अभियुक्ति वाला सेक्शन जरूर से आप चेकआउट कीजिएगा। अगला बात करें 6 से 8 तक की संस्कृत का है, 6 से 8 तक की संस्कृत में टोटल 3 यहाँ पे सीटें थी, और यहाँ पे आवेदन करने वालों की संख्या केवल यहाँ पे 5 ही कैंडिडेट ने आवेदन की, सॉरी यहाँ पे देखिए 6 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और 6 कैंडिडेट में से यहाँ पे 1 कैंडिडेट जो लास्ट वाला है यहाँ पे स्नातक का अंक पत्र ही उसका जो है मिसिंग है या फिर अस्पष्ट यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको दोबारा जो है जीरोक्स कराकर जो है आपत्ति दर्ज कराने के रूप में उनको जमा करना होगा। जब भी डेट आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत का हायर मेरिट 72.42 गया है, लोएस्ट जो मेरिट है 51.26 वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा जिनका हायर मेरिट होगा और जिस कैटेगरी से संबंधित यहाँ पे सीटें होगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे देखिए, बताया गया है यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों की सूची, रिक्तियों के विरुद्ध किए गए आवेदन, ये आपको 6 से 8 तक में रिक्तियों के विरुद्ध किए गए आवेदन का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। रिक्तियों के विरुद्ध का मतलब ये है कि यहाँ पे सीटें नहीं है फिर भी कैंडिडेट ने आवेदन किया है, वही मतलब है कि संबंधित सब्जेक्ट में सीट नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 6 से 8 तक की हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का ही सीटें हैं, लेकिन आवेदन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट से आया है, गणित हो गया चाहे सामाजिक विज्ञान हो या फिर अंग्रेजी हो, सभी सब्जेक्ट से कैंडिडेट ने आवेदन किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे टाइम पर सभी चीज़ें जो है जारी कर दिया गया था, रोस्टर को 21 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था, और ऐसा मैं इसके बारे में अपडेट भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, देखिए 21 सितंबर को ही यहाँ पे रोस्टर को बताया गया था, और इसके बारे में 21 या फिर 22 सितंबर को मैं भी अपडेट दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों कैंडिडेट इतना ज़्यादा गलती किए हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि वो सब मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो, या फिर हो सकता है कि वो लोग जुड़ने के बावजूद भी अच्छे से रोस्टर को चेकआउट किए बिना आवेदन किए होंगे, जिसके चलते ये सब नतीजा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 6 से 8 तक वाला में तो फिर भी ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जैसे ही 1 से 5 तक के सामान्य शिक्षक पर जाएंगे वहाँ पे आपको हद देखने को मिलेगी। वहाँ पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले 1 से 5 तक की उर्दू शिक्षक की देख लेते हैं। 1 से 5 तक की उर्दू शिक्षक की टोटल 9 सीटें हैं नगर परिषद किशनगंज नियोजन यूनिट में। और यहाँ पे आवेदन करने वाले की संख्या की बात करें, यहाँ पे देखिए 152 कैंडिडेट ने आवेदन किया है 1 से 5 तक के उर्दू शिक्षक के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट भी होंगे, और उनको अगर कुछ दावा करना है तो दावा आपत्ति वो दर्ज करवा सकते हैं। और अभ्यर्थी वाला सेक्शन आप भी जरूर से यहाँ पे देख लीजिएगा। हायर मेरिट की बात करें तो 83.53 है 1 से 5 तक की उर्दू शिक्षक की। और नीचे जाइएगा तो लोवेस्ट मेरिट भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए लोवेस्ट मेरिट 54.74 गया है। इन सब का यहाँ पे कुछ रीजन के कारण यहाँ पे इनका मार्क्स वगैरह जो है मिसिंग होगा, जिसके चलते यहाँ पे नहीं बन पाया है इनका मेरिट लिस्ट। यहाँ पे देखिए मेरिट नहीं बनाए गए हैं, उनको ऑब्जेक्शन दर्ज कराना होगा तो करा सकते हैं, कुछ मिसिंग होगा तो जमा कर सकते हैं, उनका जो है नाम शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे बात करें बंगला शिक्षक की, टोटल 2 सीटें थी 1 से 5 तक की बंगला शिक्षक की। और यहाँ पे आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें टोटल 42 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। और यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है रिजेक्टेड होने वाले हैं, लेकिन हायर मेरिट बात करें 82.56 यहाँ पे हायर मेरिट गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला। यहाँ पे देखिए यही मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि 1 से 5 तक के सामान्य शिक्षक की कोई भी रिक्तियाँ अवेलेबल नहीं है, ऐसा मैं दावे से भी बोल सकता हूँ क्योंकि रोस्टर को मैंने एनालाइज किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही रोस्टर है वो, और रोस्टर में आप देख सकते हैं नगर परिषद किशनगंज है। और यहाँ पे टोटल देखिए उर्दू के लिए 9 सीटें हैं, बंगला के लिए 2 सीटें हैं, और अन्य यानी सामान्य जो सब्जेक्ट के शिक्षक हैं उनके लिए कोई भी रिक्तियाँ यहाँ पे नहीं है, फिर भी कैंडिडेट ने आवेदन किया है। और कैंडिडेट कितना कैंडिडेट आवेदन किए हैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। टोटल यहाँ पे नीचे जाइएगा तो आपको पता चलेगा टोटल ऐसा गलती करने वाले कैंडिडेट जो हैं 208 कैंडिडेट हैं, 208 कैंडिडेट हैं जो कि बिना रोस्टर को देखे हुए आवेदन ऐसे ही कर दिया है। 208 कैंडिडेट हैं, और इनका समझ जाइए कि आवेदन करने में टाइम और पैसा दोनों तो गया ही होगा, और वो दोनों बर्बाद ही समझ लीजिए चला गया, क्योंकि जब रिक्तियाँ ही नहीं है तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में। तो देख सकते हैं कि 21 सितंबर को ही यहाँ पे जारी कर दिया गया था रोस्टर को, इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कैंडिडेट जो है ऐसा गलती कर चुके हैं। उन सबको मैं बोल रहा था, शुरू से बोल रहा था कि आप जो अच्छे से रोस्टर को एनालाइज कर लीजिएगा, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा था ताकि अच्छे से देख कर आप लोग आवेदन करें, लेकिन पता नहीं फिर भी आप लोग यहाँ पे गलती कर चुके हैं। इस गलती पर आप जो है दूसरे पर हंस भी नहीं सकते हैं, और खुद पर आपको रोना ही आएगा अगर आपसे ये गलती हुआ है तो। ठीक है, और अगर गलती यहाँ पे नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आप अगले नियोजन निकाय में ऐसा गलती कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे किसी पर हंसना भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने किशनगंज जिला के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के जो नगर परिषद किशनगंज है उस नियोजन यूनिट के बारे में आपको अबंधिक मेधा सूची का अपडेट प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट जो भी मेरा पीसी का बैटरी भी डाउन हो गया, मैं इसको चार्ज करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे और एक दो जो जिला है उसके बारे में भी अपडेट प्रोवाइड कराना है आप सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हो सकता है कि आपकी जिला का भी आ गया हो। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन बंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।